कोणत्याही बोलेल मी. तू बोलू शकतोय, तुला कोण प्रॉब्लेम नाही. नमस्कार. नमस्कार. थर्ड टाइम ये ब्लॉग बन रहा है जिसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं. 42 है ना रे, फिर इनका होने दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं. सच्ची में कैमरा अच्छा है. सो आज अपने साथ 42,000. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? काल कुटे तेरे में काल जैसे वैसे दिखोगे. ठीक है, चल ठीक है. सच्चाई दिखा रहे हो क्या? ठीक है. अरे आपले भाऊ जे रियल आहे त्याचा चेहरा बघून घ्या. विदाउट एनी फिल्टर. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग. और जैसे टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि अपन कहाँ जा रहे हैं, तो अपने साथ जो मेंबर्स है पहले उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं. भूषण कैमरामैन ढुकते रहो, दीप्ति और भूषण की वाइफ प्रियंका, जो अभी जिनकी अभी अभी शादी हुई है. एक 8-9 महीने 8-9 महीने हो चुके हैं. और पिछले जैसे व्लॉग आपने देखे कि हमने मराठी में बनाए थे, लेकिन रिद्धि की फ्रेंड्स की फरमाइश की वजह से ये व्लॉग और इसके आगे के व्लॉग हम सारे के सारे हिंदी में बनाने वाले हैं. आप व्यू का मजा लो, बाकी मैं ड्राइव का मजा देता हूँ. मतलब उसके लिए इतना प्लान बनाया मार्शेस का और वो खुद सोई है. और बस अभी पीछे इगतपुरी छोड़ा है हमने और अगर अभी आगे का सारा लगेगा अब कसारा का आगे जो आपने देखा है पिछला व्लॉग जिसने देखा होगा उसको पता है कि दोलखाम रोड, उसी रोड से हम जाने वाले हैं जिस रोड से हमने पिछला व्लॉग कंप्लीट किया था. ठीक है. सो आपको मौसम और जो भी बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो देखते हैं आगे जैसे भी देखने मिलेगा उस हिसाब से. ड्राइविंग सीट से उठकर बगल वाली सीट पे हम बैठ चुके हैं, क्योंकि इसके आगे मतलब जो अंदर का रोड है ढोलखाम शेवाड़े करके कुछ रोड है, सो वो भूषण राइड करेगा कार. माय फ्रेंड्स काशी करो बीप बराबर है क्या? नहीं ब्लॉग खराब करने के लिए आता है वो अपने पास. तो अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे शर्ट चेंज करना पड़ा, तो खराब इंसिडेंस था, बहुत खराब इंसिडेंस था. नहीं रोया नहीं मैं, किसी ने काशी कर दी गाइस, उसकी काशी हो गई. और ये पीछे जो कुछ देर पहले सो रहे थे अब जाग चुके हैं और व्यू का मजा ले रहे हैं, तो हम भी आपको व्यू का मजा नहीं ले रहे, उसी पोटरी ले रहे. लड़कियों को होता ही क्या है काम, सिर्फ फोटो लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक अपलोड करना, उतना ही काम है बस. तो आपको हम व्यू दिखाते हैं, वरना इस गाने की वजह से हमारे चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम भी लग सकता है. देखते
के लगभग लगभग 5 बज चुके हैं, 5 ही बजे, 5:30 बज चुके हैं। और मार्शेस अभी कुछ 5-6 किलोमीटर बाकी है, मतलब जो स्पॉट है जहाँ से पानी नीचे गिरता है वो वाला। मार्शेस घाट तो बहुत पहले चालू हो चुका है और अपने वो देखा कालू वाटरफॉल। तो बस हम इनसे पूछना चाहेंगे इनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एंजॉय करो फिर और सोना मत अभी। फाइनली मार्शेस पहुँच चुके हैं हम, और मार्शेस में देखने जैसी जो चीज़ है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं वो है हमारे पीछे ये रहा, ये रहा। और अभी हम है बादलों के बीच में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अपन तो यूं चले अकेले लगे नहीं, अपन आ चुके हैं इन दोनों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल पिछली बार जब हम आए थे तो ये हमें देखने नहीं मिला था, शायद आपने देखा होगा। इतना सही शॉट नहीं मिला था हमें, बट इस बार मिला और इस बार हम एंजॉय भी कर रहे हैं। और जिस चीज़ के लिए हमने 2 महीने से प्लान किया था वो हमारे पीछे। अच्छा लगा यहाँ आके, रिद्धि को भी बहुत अच्छा लगा, और उससे भी पूछेंगे वीडियो के एंड में कि उसको कैसा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कंपेयर करना चाहिए कि तू इस जगह को किसी और जगह से इंदौर की? कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत सुंदर जगह। ठंड कैसी यहाँ पे? ठंड कैसी? मेरे लायक। एक्चुअल ये बादल है जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ये पूरा फॉग है। और देखो सही साठ मौसम हो रहा है, जैसा मौसम हमें चाहिए था वैसा है। रिद्धि पूरे पागल हो चुकी है। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है मेरे लिए, बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, लेकिन भूषण और मैं इससे पहले आ चुके हैं और हमने ये एंजॉय किया है। लेकिन ऐसा मौसम वो टाइम पे नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने मिस की थी। और शायद से उस ब्लॉग को 1 साल पूरा हो चुका है, 29th of जुलाई को हम यहाँ आए थे और 30 जुलाई को हम पूरा करके हम वापस गए थे, और 1 साल पूरा हो चुका है। 13 तारीख को हम यहाँ आए, मतलब 1 साल 13 दिन बाद फिर से हम यहाँ आ रहे हैं और ये मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, बता नहीं सकता, मैं मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ। आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर और बाद, देखते हैं।